गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको बताया क्या था कि पिछले चैप्टर में आपको फिर ब्लाइंड ट्रू फॉल्स ये सब कराया था। अब जो है आपको हम डी का क्वेश्चन आंसर करा देते हैं चैप्टर वन का। इसमें क्या है कि आंसर द फॉलोइंग आंसर इन द शॉर्ट्स है डिफाइन द रेडिक्स और बेस। रेडिक्स या बेस किसको बोलते हैं, तो देखिएगा हमने लिखा क्या है, बेस और रेडिक्स इज द नंबर ऑफ द यूनिक डिजिट यूज इन द नंबर सिस्टम। क्या लिखा है पहला का आंसर, बेस और रेडिक्स इज द नंबर ऑफ द यूनिक डिजिट यूज इन द नंबर सिस्टम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेम द नंबर सिस्टम विथ 10 एज अ बेस। जिसका बेस 10 हो उसके नंबर सिस्टम का नाम बताना है, तो ऑफिशियली क्या हो जाएगा वो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। लेकिन उसका आंसर कैसे किया गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज द कॉमनली यूज नंबर सिस्टम विथ द बेस ऑफ 10। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द कॉमनली यूज नंबर सिस्टम विथ द बेस। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच नंबर सिस्टम लेटर्स ए बी सी डी ई एफ आर यूज। तो किस में होता है, तो एफ तक यूज होता है, ए बी सी डी ई एफ तक यूज होता है, तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या आता है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम्स जिसमें लेटर ए बी सी डी ई एफ आर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर सिस्टम यूज ओनली 0 और 1 डिजिट। तो 0 और 1 को कौन यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। कौन करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली 0 और 1 डिजिट। नेम द नंबर सिस्टम हुज रेडिक्स इज 8। उस नंबर सिस्टम का नाम बताना है जिसका रेडिक्स क्या हो, 8 हो। तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा नंबर सिस्टम हैज रेडिक्स इज 8। क्या हो जाएगा, ऑक्टा नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स क्या होता है, 8 होता है। तो ये जो है आपको हम लोग मिलने क्या था, चैप्टर वन का क्वेश्चन आंसर करा दिया, ठीक है, डी का करा दिया। लॉन्ग हम तत्काल के लिए रहने देते हैं, शॉर्ट ही करते हैं। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अनुसार फिर आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा और फिर कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।